बिहार के पूर्णिया में आज महागठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की और मंच पर बीजेपी को सत्ता से हटाने का प्रण लिया। बता दें कि महागठबंधन की रैली के मंच से तेज प्रताप यादव को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसे लेकर तेज प्रताप यादव अब नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव भाषण देने की तैयारी कर पहुंचे थे। केंद्र सरकार ने 24 फरवरी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद के बदले हुए नाम को मंजूरी दे दी थी। अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धारा शिव के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर यह खबर साझा की। औरंगाबाद का नाम मुगल शासक औरंगजेब जबकि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने LG, मेयर और MCD को नोटिस भेजा है। इसी के साथ ही हाई कोर्ट ने मत पत्र, CCTV फुटेज और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। बता दें कि MCD की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान एक वोट को अवैध घोषित करने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की दो पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। आज इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। यूपी में विधानमंडल सत्र जारी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोलते हुए न सिर्फ अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और गायिका नेहा सिंह राठौर के काबा वाले मामले पर भी कटाक्ष किया। योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी ने कहा कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। वहीं यूपी में काबा को लेकर योगी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, जिसके बाद सदन में ठहाके लगने लगे। तुर्की में आज यानी कि शनिवार को एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बता दें कि मध्य तुर्की क्षेत्र में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र ने यह जानकारी दी। इसी तरह की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।